हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट BEE का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बैटरी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग 24 लेक्चर को समाप्त कर चुके थे। आज 25वां लेक्चर है। 24वें लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन, जो लास्ट टॉपिक था उसमें स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन को पढ़ चुके थे हम लोग। आज के 25वें लेक्चर में हम लोग चार्जिंग की दूसरी विधि, स्थिर वोल्टता विधि को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। स्थिर वोल्टता विधि, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ये चार्जिंग की एक विधि होती है। जो पहली विधि थी उसको हम लोग लेक्चर 24 में लास्ट में पढ़ चुके थे। स्थिर वोल्टता आवेशन विधि का परिपथ आरेख निम्नलिखित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं परिपथ आरेख दिया हुआ है, जिसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसकी प्राइमरी साइड है, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न होते हैं और पतले तारों के होते हैं। इसमें सिंगल फेज की 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी जाती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें ये जितने वोल्ट की बैटरी होगी उससे थोड़ा सी ज़्यादा पर स्टेप डाउन कर देती है इस वोल्टेज को। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, जो DC में कन्वर्ट कर देता है इस AC को, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर हमको वोल्टेज मिलता है उसको DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इससे जो DC प्राप्त होता है ब्रिज रेक्टिफायर से, ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे, इससे जो DC प्राप्त होता है वो सिर्फ शुद्ध DC नहीं होता, पल्सेटिंग DC होता है, यानी उसमें हारमोनिक्स होते हैं, रिपल होते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक पाइप फिल्टर, ये दो कंडेंसर और एक चोक इंडक्टर मिलके पाइप फिल्टर का निर्माण करते हैं। इसे पाइप फिल्टर कहते हैं, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, यहाँ दो कंडेंसर और एक चोक को। तो पाइप फिल्टर शुद्ध DC आउटपुट के रूप में देता है। अब यहाँ पर हमको शुद्ध DC यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये प्लस ये माइनस हमको मिल जाता है। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर से हम लोग लगातार देखते रहते हैं कि हमारी बैटरी की वोल्टेज जो है, यानी ये चार्जर की बैटरी, इतना जो सेटिंग, ये जो सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, ये पूरा चार्जिंग सिस्टम का डायग्राम है, इसका वोल्टेज जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको हम लोग इस वोल्ट मीटर से देखते रहते हैं। यहाँ पर एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है और ये हमारी बैटरी लगी होती है। तो स्थिर वोल्टता आवेशन विधि के अंतर्गत जो है बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज दी जाती है वो हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है। तो यह कैसे कार्य करता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस विधि में बैटरी चार्जिंग के दौरान बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फिगर छपा हुआ है इसी को देखते हुए आप लोग आसानी से लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में चार्ज अवस्था में लाने पर एकदम शुरुआत में चार्जिंग धारा बहुत उच्च होती है, जिसे सीमित करने के लिए बैटरी के श्रेणी क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसी बैटरी डिस्चार्जिंग अवस्था से चार्जिंग अवस्था में लगाई जाती है तो उस समय क्या होता है, इनरस करंट एक फ्लो होता है, जिसे प्रारंभिक चार्जिंग धारा कहते हैं, वो उसका मान बहुत अधिक होता है। यह केवल किसमें, कॉन्स्टेंट वोल्टता विधि में होता है। इस विधि में शुरुआती अवस्था में धारा का मान बहुत उच्च होता है, जिसे सीमित करने के लिए इसके बैटरी के श्रेणी में क्या करते हैं, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे ये जो शुरुआती चार्जिंग करंट, जो हाई करंट फ्लो होती है, उसको सीमित किया जा सकता है। जिसे सीमित करने के लिए बैटरी के श्रेणी में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे वैसे इस विधि में धारा घटती रहती है। इस विधि में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे धारा जो है, बैटरी चार्ज हो जाती है वैसे वैसे धारा का मान घटने लगता है। देखिए यहाँ पर इसका जो है ग्राफ दिखाया गया है, स्थिर वोल्टता विधि आवेशन का ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। ये चार्जिंग टाइम है x अक्ष पर और ये y अक्ष पर, दोनों वैल्यू ली गई है, चार्जिंग करंट और बैटरी का वोल्टेज। तो शुरू शुरू में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चार्जिंग वोल्टेज का मान, देखिए ये वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज है, चार्जर का वोल्टेज नहीं है। चार्जर का वोल्टेज तो फिक्स रहता है इस विधि में। देखिए ये जो इतना सिस्टम लगा हुआ है इसको चार्जिंग एलिमेंट कहते हैं, इसका वोल्टेज स्थिर रहता है हमेशा, ये बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है,
यहाँ पर देख सकते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज रहती है तो यहाँ से ये वोल्टेज का ग्राफ है और करंट का भी है वाई एक्स पर। तो बैटरी जैसे जैसे शुरुआती अवस्था में होती है तो डिस्चार्ज होती है तो यहाँ से वोल्टेज इसका उठना चालू होता है, देख सकते हैं उठते उठते बैटरी फुल चार्ज हो जाती है यहाँ पर। और ये क्या है, चार्जिंग करंट है। स्थिर वोल्टता विधि द्वारा में क्या होता है, सबसे पहले चार्जिंग करंट एकदम हाई रहता है, देखिए यहाँ से चालू हुआ है चार्जिंग करंट हाई रहता है, जैसे जैसे बैटरी ये टाइम बीतते जाता है जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो ये धारा का मान घट जाता है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है स्थिर वोल्टता विधि द्वारा आवेशन का परिपथ आरेख। इसके बाद स्थिर धारा आवेशन विधि तथा स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में अंतर देख लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर होता है जो उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें पहला अंतर है, स्थिर धारा विधि में पूरे आवेशन समय में धारा स्थिर रहती है तथा स्थिर वोल्टता विधि में पूरे आवेशन काल के अंतर्गत बैटरी के अक्रॉस वोल्टता स्थिर रहती है। स्थिर धारा विधि में चार्जर का क्या होती है, धारा जो होती है वो कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट मतलब स्थिर रहती है। और स्थिर वोल्टता विधि आवेशन में क्या होता है, चार्जर की जो चार्जिंग एलिमेंट होता है जो उसको चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाया गया रहता है उसकी वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। प्रारंभिक अंतर यही है। इसके बाद कुछ और भी अंतर हैं, इसको देख लेते हैं। स्थिर वोल्टता विधि आवेशन में स्थिर धारा विधि आवेशन की तुलना में लगभग आधा समय लगता है। जो स्थिर वोल्टता विधि आवेशन होता है उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है स्थिर धारा चार्जिंग के मुकाबले, स्थिर धारा चार्जिंग के मुकाबले इसमें लगभग आधा टाइम लगता है इसमें स्थिर वोल्टता विधि आवेशन में। और तीसरा अंतर है, स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में शुरुआत में धारा का मान बहुत अधिक होता है जबकि स्थिर धारा विधि आवेशन में पूरे समय में धारा का मान समान रहता है। ये इधर पीछे हम लोग देखे हैं कि जब स्थिर वोल्टता विधि द्वारा आवेशन आवेशित किया जाता है बैटरी को उस समय शुरुआती दौर में क्या होता है, बैटरी की चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा होती है जबकि स्थिर धारा आवेशन विधि में क्या होता है, बैटरी की चार्जिंग करंट हमेशा ही स्थिर रहती है। ये हो गया तीसरा अंतर। इसके बाद देखिए बैटरी चार्जिंग की एक और विधि होती है जो मॉडिफाइड कॉन्स्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का ही एक सुधरा हुआ रूप, मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड कहते हैं। ये हमारा स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड का ही सुधरा हुआ रूप है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह स्थिर वोल्टता विधि द्वारा आवेशन का ही एक विकसित रूप है जिसमें शुरुआत में उच्च चार्जिंग धारा से बचने के लिए बैटरी की श्रेणी में एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध लगाकर रखते हैं। जैसे जैसे बैटरी अपना ईएमएफ तैयार कर लेती है या बैक ईएमएफ तैयार कर लेती है तो इस श्रेणी प्रतिरोध को हटा देते हैं। हटा देने से भी धारा सामान्य रहती है क्योंकि बैटरी में धारा का मान आईसी बराबर ये चार्जिंग धारा है, वीसी ये चार्जर की वोल्टता है और ये माइनस ईबी वी मैंने बैटरी का बैक ईएमएफ ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर वीसी चार्जिंग युक्त का वोल्टेज और ईवी बैटरी का बैक ईएमएफ और आर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है। देखिए दोस्तों स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में होता क्या है, जब शुरू में बैटरी को हम लोग चार्ज लगाते हैं, इस समीकरण से ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग शुरू में बैटरी को डिस्चार्ज करके चार्ज में लगाते हैं तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती है तो उसका वोल्टेज जो है ईबी ये बैटरी का वोल्टेज है ये डिस्चार्ज होने के कारण बहुत कम हो गया होता है, कम हो जाएगा तो और ये वीसी जो चार्जर की वोल्टेज है वो तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो ये वीसी में से जब ईबी घटता है, मान लेते हैं देखिए ये 10 वोल्ट है ये जो है 3 वोल्ट है, घट के 3 वोल्ट हो गया है, तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 10 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 7, 7 में ये रेजिस्टेंस का भाग देंगे, मान लेते हैं रेजिस्टेंस 1 ओम है तो आईसी चार्जिंग करंट कितनी आ जाएगी हमारी 7 एम्पियर। लेकिन जैसे ही हम लोग जब ये ईवी थोड़ा
डेवलप हो जाएगा, यानी थोड़ा चार्जिंग चार्ज करते करते चार्जर से चार्ज करने पर इसकी वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। मान लेते हैं पहले 3 थी, अब इसका चार्जिंग के दौरान चार्ज होते होते थोड़े समय बाद इसका वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया। अब ये 10 माइनस 5 अंतर कितना आएगा, 5 वोल्ट। अब चार्जिंग करंट कितनी रह गई, 5 एम्पियर। तो देख सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है स्थिर वोल्टता विधि आवेशन में क्या होता है, चार्जिंग धारा का मान घटता है। तो जब चार्जिंग धारा का मान घट जाता है तो देखिए इस फिगर में जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है बैटरी की श्रेणी में, इसमें देखिए ये रहा मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम स्थिर वोल्टता आवेशन विधि द्वारा जो सर्किट डायग्राम था उसके एकदम सिमिलर है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर देखिए एक उपयुक्त मान का बैटरी के श्रेणी में प्रतिरोध लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जब शुरुआती अवस्था में क्या करते हैं इस जो टू वे स्विच है इसको इस प्रतिरोध से जोड़ के रखते हैं, जिससे बैटरी की शुरुआती धारा जो चार्जिंग धारा होती है उसको सीमित की जा सके। और जैसे ही बैटरी का कुछ अपना बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ये ईबी बढ़ जाता है जैसे जैसे, वैसे हम लोग क्या करते हैं इस स्विच को, ये एस स्विच को 2 पोजीशन पे ला देते हैं। जब 2 पोजीशन पे ला देंगे तो अब ये रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रह जाएगा इस सर्किट डायग्राम में। तो अब जो है चार्जिंग धारा सामान्य रहेगी क्योंकि ईबी बैटरी का जो बैक ईएमएफ है कुछ डेवलप हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, देखिए दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है BEE के लेक्चर सीरीज में, ये हमारा जो है UPBT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला टॉपिक है लेड एसिड बैटरियों की देखभाल तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी। देखिए दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक बैटरी का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो निकल कैडमियम बैटरी होती है उसकी कम से कम लाइफ साइकिल होती है 5 साल, और ये लेड एसिड बैटरी जो होती है इसकी लाइफ साइकिल होती है 1200 बार आवेशित किया जा सकता है और इसको 1200 बार डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इस दरमियान क्या होता है कि जब हम इसका ठीक से रख रखाव नहीं करेंगे तो ये बैटरी का लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ साइकिल जो है घट जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, यही इसमें बताया है हुआ है कि हम लोग ये लेड एसिड बैटरी का देखभाल कैसे करेंगे कि वह अपना पूरा लाइफ कंप्लीट कर सके। तो आइए देखते हैं इसमें, लेड एसिड बैटरी का अपना एक जीवन काल होता है जिसमें इन्हें देखभाल तथा रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि हम इनमें लापरवाही करेंगे तो ये बैटरियाँ अपने जीवन काल से पहले ही खराब हो सकती हैं, अतः इनके रख रखाव में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये पॉइंट क्या है इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखिए सेल को कभी भी 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये पर्टिकुलर एक लेड एसिड बैटरी के बारे में बताया जा रहा है और किसी बैटरी के बारे में नहीं। तो हम लोग जो क्या होता है लेड एसिड बैटरी के प्रत्येक सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देते हैं, ये पहला कंडीशन हो गया मेंटेनेंस का। दूसरा क्या है, सेल का विशिष्ट गुरुत्व कभी भी 1.8 से नीचे नहीं होने देना चाहिए। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, देखिए दोस्तों जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसमें पानी और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है, दोनों मिक्स होता है 3:1 में, जिसमें 3 वैल्यू का होता है पानी और 1 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका रेशियो जो है कभी कभी क्या होता है अप डाउन हो जाता है, तो इसको हम लोगों को चेक करते रहना होता है, जिसमें हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसका विशिष्ट गुरुत्व कभी भी 1.18 से नीचे नहीं होना चाहिए। और तीसरा बिंदु क्या है, सेल की आवेशन तथा निरावेशन धारा निर्माता के दिशा निर्देश के अनुरूप हो। जैसे देखिए दोस्तों किसी कंपनी का हम लोग बैटरी खरीदते हैं तो उसमें C10, C15, C20 करके लिखा रहता है, जिसका अर्थ है कि बैटरी को किस दर से हमको डिस्चार्ज करना है या किस दर से उसको चार्ज करना है। ये हमारे निर्माता कंपनी का दिशा निर्देश होता है, हमको उसी के अनुरूप जो है बैटरी को क्या करना चाहिए, चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। अन्यथा हमारी बैटरी जो है अगर हम लोग
अदर रेट से चार्ज और डिस्चार्ज करेंगे तो हमारी बैटरी जो है अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही ख़राब हो जाएगी। इसके बाद अगला बिंदु क्या है, सेल को विसर्जित अवस्था में नहीं रखें। देखिए दोस्तों, जब कभी हमें बैटरी को यूज नहीं करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को हमेशा चार्ज करके ही रखते हैं। अगर हम लोग बैटरी को डिस्चार्ज करके रखेंगे तो भी हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि सेल को कभी विसर्जित अवस्था में नहीं रखें। सेल के टर्मिनलों को न सटाएं, अर्थात जो सेल होता है या बैटरी होता है उसका प्लस माइनस दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, उसको हमें कभी भी आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। सेल का तापमान 45 अंश सेंटीग्रेड से नीचे रखें। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग सेल को चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, अर्थात हम लोग जैसे बैटरी को यूज करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, अर्थात उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम लोग इस तापमान को मॉनिटर करते रहते हैं कि बैटरी का तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से सदैव नीचे रहे। सेल के इलेक्ट्रोलाइट का स्तर चेक करते रहें, यदि कम है तो इसमें आसूत जल ही डालें। देखिए दोस्तों, सेल का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, हम लोग लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके जो है स्तर को चेक करते रहते हैं समय समय पर। यदि कम होता है तो उसमें हम लोग केवल डिस्टिल वाटर ही फिल करते हैं और कुछ नहीं फिल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हैंडपम्प से पानी चलाएं और भर दें, उसमें हम लोग सदैव शुद्ध आसूत जल का ही प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सेल के 2 सेंटीमीटर ऊपर तक रहना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैटरी का सेल जो है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर ही रखें, नीचे नहीं रहना चाहिए। नौवां पॉइंट क्या है, बैटरी के टर्मिनल को कोरोजन से बचाने के लिए टर्मिनल पर ग्रीस या वैसलीन लगाएं। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के घर में अगर इन्वर्टर होगा तो देखते होंगे समय समय पर क्या होता है, बैटरी के टर्मिनल पर कोरोजन लग जाता है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके टर्मिनल्स पर ग्रीस या फिर वैसलीन का उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है उस पर कोरोजन नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, बैटरी के टर्मिनल पर कोरोजन कुछ इस टाइप का, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस टाइप का लग जाता है, इसी को बैटरी का कोरोजन कहते हैं। तो हमको यहाँ पर ग्रीस लगा देने से क्या होता है, बैटरी पर कोरोजन नहीं लगता है। इसके बाद है अगला पॉइंट, लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी भी संग्रहित न करें। अगर लेड एसिड बैटरी को हमको स्टोर करके केवल रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को उसमें से निकाल देते हैं, इसके बाद रखते हैं। 11वां पॉइंट है, उपयोग में न होने वाली बैटरियों को उचित समय पर ट्रिकल चार्ज करें, अर्थात जो बैटरी हमारे उपयोग में नहीं है केवल रखी हुई है तो उसको क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग पर लगा देते हैं। ट्रिकल चार्जिंग एक ऐसी चार्जिंग व्यवस्था होती है जिसमें बैटरी को जो है बहुत कम चार्जिंग करंट से चार्ज किया जाता है। इसके बाद 12वां पॉइंट है, सेल के इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को सप्ताह में एक बार अवश्य चेक करें या एक बार चेक करें। ये थे लेड एसिड बैटरी के मेंटेनेंस के कुछ पॉइंट्स, इसको हम लोग फॉलो करके अपने बैटरी के जीवन काल को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है अगला टॉपिक, सीसा अम्ल संचायक बैटरियों के लाभ एवं हानि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीसा अम्ल संचायक बैटरी के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लिखा है, अन्य सेलों से सीसा अम्ल संचायक सेल की धारा क्षमता उच्च होती है, ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसके अलावा तीसरा लाभ क्या है, इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज लगभग 2.4 वोल्ट होता है। 2.4 वोल्ट कब होता है, जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है तब। इसका EMF स्थिर होता है, अर्थात इसका EMF जो है फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक कांस्टेंट मान पर फिक्स रहता है। और इसमें देखिए, सीसा अम्ल संचायक बैटरी में लाभ के अलावा कुछ हानियां भी होती हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सीसा अम्ल संचायक सेल की हानियां क्या हैं, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ 3 हानियां हैं। सीसा अम्ल संचायक सेल का प्रारंभिक कीमत उच्च है, अर्थात ये बहुत महंगी होती हैं। और दूसरा क्या है, इस सेल का अनुरक्षण मूल्य अधिक होता है। अभी आपने देखा कि इस बैटरी को हमेशा रख रखाव तथा देखभाल की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें जो है अनुरक्षण कीमत इसकी अधिक होती है।
अन्य सेलों के मुकाबले कम जीवन काल होता है। देखिए दोस्तों, जो निकल कैडमियम बैटरियाँ होती हैं उनका जीवन काल कम से कम 5 साल होता है, लेकिन उसके मुकाबले इसका जीवन काल कुछ नहीं होता है, इसका जीवन साइकिल होता है, अर्थात इसको केवल 1200 बार चार्ज किया सकता है और डिस्चार्ज किया सकता है। बस ये नहीं है कि ये फिक्स जो है कि 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, केवल इसको हम लोग 1200 बार चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सॉलिड मेंटेनेंस फ्री बैटरियाँ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SMF। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। अनुरक्षण मुक्त बैटरियाँ लेड एसिड बैटरियों का ही एक विकसित रूप होती हैं, अर्थात ये बैटरियाँ और कुछ नहीं होती हैं, केवल लेड एसिड बैटरी का एक मॉडिफाइड रूप होता है। इसमें बैटरियों के से निकलने वाली गैस H2 तथा O2 को संयोजित कर विद्युत अपघट में बदल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है लेड एसिड बैटरी में, जो हम लोग जब उसको चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, ज़्यादातर चार्जिंग के समय जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, तो हमारा जो है उसमें एक गैसिंग का क्रिया होती है, जिसमें एनोड पर जो होता है एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही जल बनता है। जब हमारा ये रिलीज होता बैटरी से रिलीज होंगी, तो क्या होता है बैटरी में जो है पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी ही H2O होता है, जो अलग अलग होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वेपराइज होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है बैटरी का विद्युत अपघट धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये मेंटेनेंस फ्री बैटरियों में क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ कैटलिस्ट को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। देखिए, इन बैटरियों से निकलने वाले गैस H2 तथा O2 को संयोजित कर विद्युत अपघट में बदल देते हैं, अर्थात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है उसको हम लोग पुनः अभिक्रिया करा के क्या करते हैं, पानी में बदल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होती है। इस कारण से इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। इन बैटरी के प्लेटों में लेड एसिड बैटरियों की तुलना में इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैडमियम होता है या स्ट्रॉन्शियम होता है, ये जो है उत्प्रेरक होते हैं, जो उसमें मिला देने से क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पुनः रिएक्शन करा के जल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बैटरी में गैसिंग के द्वारा निकलने वाली H2 और O2 को फिर से जल में बदल देता है। इस क्रिया को हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन कहते हैं, अर्थात जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके या फिर रिएक्शन करा के पुनः जल में कन्वर्ट कर देते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ये अगला टॉपिक है हमारा, एक फुल चार्ज बैटरी का सेल या बैटरी सेल के संकेत, कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारी बैटरी जो है फुल चार्ज हो गई है, उसके कुछ संकेत होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिकेशन ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी और सेल, ये भी लेड एसिड बैटरी के बारे में ही बताया गया है यहाँ पर। यदि लेड एसिड सेल या बैटरी में निम्नलिखित संकेत मिले तो हमारी बैटरी फुल चार्ज मानी जाती है। पहला क्या है, गैसिंग क्या होता है, जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित हो जाती है तो इसके एनोड पर O2 तथा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है, यह क्रिया गैसिंग कहलाती है। यदि बैटरी आवेशित हो चुकी होती है तो गैसिंग होगा, ये पहला जो है संकेत हो गया। और दूसरा क्या होता है, वोल्टेज, ये पहले संकेत से हम लोग पता कर सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इसके अलावा और भी देखिए संकेत है जिससे पता चलता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई है। दूसरा क्या है, वोल्टेज, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो बैटरी के प्रत्येक सेल का वोल्टेज 2.4 वोल्ट हो जाता है। जब हम लोग मल्टीमीटर से या फिर किसी वोल्टमीटर से नापेंगे तो जब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी तो प्रत्येक सेल का वोल्टेज 2.4 हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारी जो है बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इसके बाद तीसरा बिंदु क्या है जिससे पता चलता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, रंग, जब बैटरी पूर्णतः आवेशित हो जाती है तो एनोड का रंग गहरा चॉकलेटी, एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट का, तथा कैथोड का रंग हल्का स्लेटी हो जाता है, कैथोड यानी माइनस प्लेट का रंग स्लेटी हो जाता है। इससे पता चलता है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई है। इसके बाद
चौथा संकेत क्या है? विद्युत अपघट का विशिष्ट घनत्व। देखिए दोस्तों, हमारा जो लेड एसिड बैटरी होता है वो जैसे जैसे डिस्चार्ज होती है, तो हम लोग पीछे वाले जो पीछे के लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़े थे, जब डिस्चार्ज होता है तो प्लेटों पर क्या बनता है? जल बनता है, पानी, जिसे जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो घटने लगता है। और जब चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उससे विद्युत अपघट का विशिष्ट घनत्व 1.21 हो जाता है, और डिस्चार्ज होने पर क्या होता है? 1.18 हो जाता है, घट जाता है। तो ये चार संकेत ऐसे हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा बैटरी चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।